हम शहीद का समाधि स्थल में आए हैं, पहला बात उनको क्लियर करने बोलिए, जिन विधायक रहे चाहे सांसद रहे, हम आपका बेटी का ब्याह में नहीं आए हैं, ना श्राद्ध क्रम में आ रहे हैं, हम शहीद शक्तिनाथ महतो को सर झुकाने आए हैं, हम सभा में हम स्टेज चढ़े भी नहीं है, हम तो उनका समाधि स्थल में गए हैं, तो इसलिए स्टैंड क्लियर कीजिए। पहले उनको जानकारी होना चाहिए कि बुलाना कहाँ जाता है और कहाँ नहीं बुलाना जाता है। बुलाया शादी में जाता है, जहाँ डेथ होता है शमशान बुलाया नहीं जाता है, शमशान बिना बुलाए जाते हैं। पहला बात, शादी में बुला सकते हैं, प्रीति भोज में निमंत्रण भेजा जाता है, शमशान न्योता नहीं भेजा जाता है। तो ठीक उसी पर अगर हम शक्ति बाबू की समाधि में आए हैं, हम आपका स्टेज में थोड़ी आए हैं, आप बोलेंगे जयराम बाबू मेला देखने आ गया, तो हम देखने नहीं आएंगे। हाँ, स्टेज चढ़ जाएंगे, आप बोलेंगे निमंत्रण नहीं था। आपका जो भाषण है बहुत एग्रेसिव है, एग्रेसिव ही रहेगा, शहीद का बेटा है, एग्रेसिव ही रहेगा। युवा जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ेंगे ही, युवाओं को एग्रेसिव पसंद है, एग्रेशन पसंद है। हमारा इरादा यही है, सिस्टम को बदल के रख देना, या तो हम शांत शक्ति की तरह हम भी शांत हो जाएंगे, समाधि ले लेंगे, लेकिन जब तक रहेंगे आवाज गूंजेगी। अभी यहाँ आप आए हैं तो क्या कुछ युवाओं को आप बताएंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि देखें, जैसे ही हम मेरा एंट्री हुआ, चारों तरफ देखे झंडा लगाए पार्टी का, हम बोले अब थोड़ा सा पार्टी का धंधा कम कीजिए, 5 साल में एक बार जिसको अच्छा लगे वोट दे दीजिए, लेकिन जीवन भर पूरा 5 साल रूटीन मत बनाइए कि नली तो 3,000 का पेमेंट, तो मीडिया चलाने के लिए सोशल मीडिया में रिचार्ज, इस सब से आप दूर जाइए और सवाल कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि मेरा ही क्षेत्र से जयराम चुनाव लड़े, पता चल जाएगा कितना हमें है। पहला बात तो विधायक जी को मना, ये असभनीय बयान है, वह 20-25 साल से राजनीति विधायक रह चुके, हम तक नया लड़का है, तो उनको चैलेंज हमको नहीं देना चाहिए, और उनको आभास होना चाहिए कि जैसा भी है हम उगता हुआ सूरज, उगते हुए सूरज को कही। आपका जो मांग था 32-27% क्या फिर 15 तारीख को तब दे दिए 36% बाहरी को नौकरी, क्या करेंगे 32 का चबाक खाएंगे? विधायक जी को पहला सवाल कीजिए कि 36% वैकेंसी जो सहायक अभियंता का आता है उसमें 36% बाहरी लोग है, बोलिए हम लोग पेपर दें, नाम के साथ एड्रेस के साथ पेपर देते हैं, यानी मुख्यमंत्री जो एकदम ड्रामा, पूरा ड्रामा चल रहा है। 32 अभी 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, तब तक नौकरी को आप कैसे रोकेंगे? अभी टीचर की बहाली आएगी, आपको अगर बीजेपी का ही शासन करना था तो फिर क्या ड्रामा किए, जल जमीन जंगल की सरकार। क्या लग रहा है ये 32 केवल राजनीतिक एक प्रोपेगेंडा है? 32 सरकार अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल आनन फानन में लाई है, आप एक रणनीति तय करके लाते हैं, और बिल्कुल अगर 32 लाई भी है तो फिर भी हम आभार करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास क्या विजन है? ठीक है, 32 क्या अभी आप लागू हो गया है? नहीं ना, तो फिर आपके मंत्री बयान क्यों दे रहे हैं कि 32 लागू हुआ मजा लीजिए इनको? नहीं, हम आपसे मीडिया वालों से इतना चाहेंगे कि आज पिछले 10 महीनों में मीडिया जितना तीखा सवाल इस छात्र से पूछा है, एक बार पलट के उनसे इतना ही पूछिए कि 32 जो आपका संसद गया है, कि हम ले आए और झारखंड का जो मांग था पूरा कर दिया। एक बात हमको बताइए, बस उसे इतना ही उनसे पूछा जाए जो लोग 32 का समर्थन कर रहे हैं, कि ये संसद में किस सदन में पहले जाएगा, पहले लोकसभा में जाएगा कि पहले विधानसभा में, और जाएगा तो क्या प्रक्रिया होगा कि डायरेक्ट जाके पटक देगा हाथ 32 प्रोसेस होता है? चलिए हम ही बता देते हैं, पहला होगा प्रेजेंटेशन, दूसरा होगा डिस्कशन, तीसरा होगा अप्रूवल, 3 प्रोसेस से ये बिल आपका जाके संसद में गुजरेगा। तो पहले इनको पूछिएगा कि डिस्कशन क्या है, अप्रूवल क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है। ये विधायक इनको पता नहीं है कि ये सब तू ही तटपटा सवाल कर रहे हैं कि जरा बिना बुलाए आया, बिना बुलाए का मतलब आप शादी थोड़ी कर रहे हैं, हम समाधि स्थल में आए हैं, इस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं कि मेरा ही विधानसभा से चुनाव लड़ ले, गजब भाले। अब यहाँ लोग हमको रखने के लिए, हम तो यहाँ थोड़ी पता था कि हमको शब्द रखने के लिए लड़का लोग बोलेगा, अब इन लोग कहीं से माइक लाया है तो गरजेंगे ही, हम तो बोलेंगे जो सच्ची आई है, और मेरा 10 साल का ये इतिहास है। मुख्यमंत्री जी किस आनंद फानंद में क्यों ये 32 का वही जो उनका तीन को क्या छलने का काम कर रहे हैं, 3 विधायक जो उनका कलकत्ता में 10-10 लाख लेके पकड़ा गया, सरकार डमाडोल हो रही थी, इधर से आंदोलन चल रहा था, कुछ करप्शन के भी बातें सामने आई, करप्शन सामने है, बिल्कुल करप्शन सामने, आप देख ही रहे हैं, ईडी का छापा रोज पड़ रहा है उन पर, उनके लोगों पर पड़ रहा है। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी भी हैं उस शामिल? बिल्कुल हैं, उनके नाम पर माइंस चल रहा है, शामिल हैं, आपको गोपनीय बात बता रहे हैं ताकि ये बात कहने के लिए बहुत साहस चाहिए, और ये बड़ा बड़ा पॉलिटिकल लोग इस बात को नहीं कह पाते हैं, हम स्पष्ट कहते हैं, मुख्यमंत्री के करीब के रिश्तेदार रात को काला सीधा चढ़ा के बगमारा आके कोयला की कमाई लेके जाते हैं। कौन है, नाम का खुलासा कर देंगे? नाम का खुलासा समय में कर देंगे, जैसे जैसे मेरा कद बढ़ेगा, मेरा एनर्जी बढ़ेगा, मेरी निडरता बढ़ेगी, हम नाम भी लेंगे, बस इतना जान लीजिए उनके करीबी रिश्तेदार हैं जो काला सीसा चढ़ा के आते हैं और यहाँ से कोयला की कमाई बगमारा से लेके जाते हैं।
मतलब अब जयराम जी कोयले अवैध कोयला कारोबार को रोकने के लिए भी अब बिल्कुल करेंगे। कोयला का जितना भी कोयला का खदान है, चाहे टाटा सिजवा रहे चाहे जमा डबा रहे, हमारे पुरखों की जमीन पर है, वो हमारे लोग हैं, उनकी जमीनों पर है। उन्हें क्या मिला, उन्हें क्या मिला? एक नौकरी मिली, साधारण सी नौकरी 40 साल तक। 40 साल के बाद तो फिर क्या उनके बच्चों को फिर मिला? इसीलिए अब लड़ाई बहुत लंबी होगी। गोली भी मिला है, गोली भी मिला है, निश्चय ही मिला है। कल 4 गो को मिला, सॉरी कुछ दिन पहले 4 गो को मिला, गोली भी मिला है। उसको किस रूप में देखते हैं जयराम जी, क्या करेंगे? हम लोग आंदोलनकारी हैं, हम लोगों में आक्रोश भरना है, लोगों को एक सही दिशा देना है, विशेषकर युवाओं को, और एक ऐसा मूवमेंट तैयार करना है जो हम लोग पहला प्रयास करेंगे कि हल संवैधानिक तरीके से हो, और नहीं तो फिर उलगुलान होगा, मरता क्या नहीं करता। कोयला चोरी का जिम्मेवार किसे मानते हैं? कोयला चोरी का जिम्मेवार हम तो मानते हैं पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स को, मंत्री लोग पढ़ा लिखा नहीं है। आप तो उसे डंट डपकार के बात कर सकते थे, आप 60 साल की सर्विस करते हैं, उन लोग 5 साल के लिए करता है। ब्यूरोक्रेट्स सबसे ज़्यादा दोषी है कोयला चोरी के लिए। धनबाद में 600 करोड़ का कोयला प्रत्येक महीना, उसमें सुनने में आया है पार्टी की क्या जो वर्तमान सरकार है उनके पार्टी के कोई लीडर है वो 800 करोड़ का कोयला उनके नाम पर उतना कमा चुके हैं इस सरकार में 800 करोड़। जयराम जी PIL दायर करेंगे क्या? कोशिश है और हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन अब शर्त है कि हमारा जो लोग हमारे लिए खड़े होंगे PIL दायर करने में, वे लोग कितने प्रभावशाली होंगे। हम प्रभावशाली हैं मान के चलिए, हम में निडरता है, लेकिन वे लोग साथ दे पाएंगे कि नहीं, इस पर हम लोग चर्चा चल रही है। और आप जो बात कह रहे हैं इस पर हम लोग कुछ दिन पहले ही चिंतन मंथन कर चुके हैं, और जितने भी लोग हैं जिनको हमको लगता है संशय है उन पर हम लोग PIL दायर करेंगे। जल जंगल जमीन बचाने वाली सरकार क्या इसी को बेचने आई है, और जिस 3 साल में क्या बेच चुकी है? लगभग कुछ ना कुछ तो बेच चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रांची में कोई नदी का किनारा है जहां अतिक्रमण हुआ था, जब अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, चलते चलते पता चला कोई मंत्री जी का आवास है, बुलडोजर रुक गया। तो सरकार का कथनी करनी अंतर है? बिल्कुल, कथनी और करनी में अंतर है। एक IAS के यहाँ से 25 करोड़ बरामद होता है, एक मामूली सा प्रतिनिधि के यहाँ पैसा बरामद होता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।